ये कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ऑफिशियली यही जाने वाली है, मैं पूरा 100% श्योर हूँ, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, सिविल से अगर बिलोंग करते हैं, सिविल फॉर्म से जनरल में आए हैं, जनरल कैटेगरी में, तो 120 से 135 जाने वाली है। वही आप अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करते हैं, तो अगर आपका 125 से 135 स्कोर हो रहा है, इसके बीच में लाइक करते, तो आप डेफिनेटली मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली, मतलब 120 ही रहेगा, तो आपका जो है समझ रहे हैं ना, 120 के अंदर भी आएंगे, 125 के अंदर आस पास जाएंगे, तो आपका हो जाएगा करीब क्लियर। ठीक है, और ओ बी सी की बात करते हैं, 105 से 120 के बीच में आए हैं सिविल से, तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं मतलब 100 भी आएगा, 100 के आस पास रहेगा तो हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करते हैं, ओ बी सी से बिलोंग करते हैं, तो 110 से 125 के बीच में जाएंगे, तो आपका लग हो जाएगा, क्योंकि अगर 105, 106, 102, 103 भी रहेगा, तब भी आपका जो है हो जाएगा। एस सी एस टी की बात करते हैं, तो अगर सिविल से तो 85 से 90 के बीच में, 95 के बीच में होगा तो हो जाएगा, 80 रहेगा तब भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 95 से 105 के बीच में रहेगा तो हो जाएगा, 90 भी रहेगा, 89 भी रहेगा तब भी हो जाएगा। और एस टी की बात करते हैं, तो 85 से 92 के बीच में रहेगा तो सिविल से हो जाएगा, 80 रहेगा तब भी हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें, तो 80 से 95 के बीच में रहेगा तब भी हो जाएगा, 75 पे रहेगा, 80 रहे, 75 से 77 रहेगा तब भी हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होकर आपका जो पड़ जाएगा। PWS में एक चेंजेस आया कि 98 से लेकर 105 रहेगा तभी सिविल में आपका होगा, और ऐसा बात है कि 95 भी रहेगा तब का नहीं होगा, 95 से 90 तब भी हो जाएगा, और इसमें भी आपका वही चीज़ है, 95 96 रहेगा तब भी हो जाएगा, 100 के आसपास रहेगा तब भी हो जाएगा। तो ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है, और बस सब देखिएगा आपको रिजल्ट के लिए इसी तरह की कटाव देखने वाली है, बस इससे ज़्यादा नहीं देखने वाली, सिर्फ कम भी रहेंगे तो भी आपका हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं, 5 5 6 नंबर 7 नंबर भी कम है तो हो जाएगा। थैंक यू।